पतला रखना शोरबा। बिया तुम क्या खड़ी मुंह देख रही हो, जाओ जाके काम करो ना, खाना चढ़ाओ, जाओ तुम भी, बस हो गया बहुत। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मन्नू से मिलने आई थी, बहुत दिन हो गए ना, इससे मुलाकात भी नहीं हुई। बिया तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चाची मुझे बस एक बार मिलने थे। देखो बेटा मना करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं आपके सामने मिल लूंगी मन्नू से, वादा करती हूँ मैं उससे कोई और बात नहीं करूंगी। जब उसकी शादी हो जाए ना फिर मिल लेना। मन्नू की शादी हो रही है? कभी ना कभी तो होगी ना। चाची मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मन्नू से बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसके आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। जाओ बेटे घर जाओ, तुम्हारे चाचा ने अगर देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। अपने अम्मी अब्बा को मेरा सलाम कहना। वो दुर्दाना भाभी ने कड़ी भेजी है ना, वो ही देने के लिए आई थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। मन्नू से मिलने आई हो? माफी चाहती हूँ, मैं आइंदा कभी नहीं आऊंगी। ऊपर चली जाओ, मन्नू अपने कमरे में है। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चियों पे इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको बुलाया मिलने के लिए? थैंक यू, थैंक यू। नहीं इसमें माइंड करने की क्या बात है, मैं बस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाय द वे आप फिक्र ना करें, मैंने मामा को बता दिया, वो इनकार कर देंगी। मैं इनकार भी कर दिया? जाहिर बात है अगर वो ही नहीं शादी करना चाहती तो मेरे हाँ कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं आपको एतराज़ नहीं है? मुझे किस बात पे एतराज़ होगा कि वो आपको पसंद करती है? नहीं इंसान किसी को भी पसंद कर सकता है, इसमें माइंड करने की क्या बात है। लेकिन पसंद नहीं करती मुझे वो, असल में बचपन से आइडियलाइज करती है, वरना हमारे दरमियान कुछ ऐसा वैसा नहीं है। आप दोनों को देख के लगता भी यही है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर कुछ होता तो? अगर होता तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरी खुद 10 लड़कियों से दोस्ती है। यानी आप माइंड नहीं करते? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो आपको क्यों नहीं पसंद। She is a nice girl. She is a very nice girl, but मैं उसको उस नजर से देख नहीं सकता। हाँ आप काफी सीरियस टाइप के, आपके लिए मिनाहिल सुटेबल भी नहीं है। लेकिन आपको तो पसंद है ना वो? Obviously. तभी तो आपसे मिलने आ गया। वैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स हर पसंद नहीं आया। यू वर वेरी रूड टू हर। आई नो, मुझे उससे इस तरह बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनसे बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। आप अभी उससे शादी करेंगे? मेरे चाहने से क्या होता है, वो ही नहीं मेरे से करना चाहती। अगर मैं मना लूं तो? अगर आप मना लें तो मामा का काम आसान हो जाएगा, बड़ी मुश्किलों से हम तीनों को एक लड़की पसंद आई है। अगर मिनाहिल ने इनकार कर दिया तो मामा की सर्च फिर से स्टार्ट हो जाएगी और मुझे डिफरेंट ड्राइंग रूम्स में जाकर डिफरेंट खाने खाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी वेट पुट ऑन हो गया। बाय द वे मैं मनु से बात करूंगा। मैं अपने भाई को रिजेक्ट कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं कर सकती। बिया तुम्हारे भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया,
मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उन्होंने तुम्हें भेजा है मेरे पास? मैं खुद आई हूँ, उन्हें तो पता भी नहीं है। सब कैसे हैं? खाना खा लो। सब ठीक है। और वो पौधा जो मैंने तुम्हारे आंगन में लगाया था, मरा तो नहीं? हम में से कोई भी उस पौधे को कभी मरने नहीं देगा। बस उसको अपने भाई से दूर रखना, उनका बस चलेगा ना तो वो उसे जड़ से ही काट देंगे। भाई ऐसे नहीं है, उन्होंने तुम्हारे लिए उनके बारे में कुछ नहीं सुनना कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इतनी नफरत मत करो उनसे। तुम अगर उनके बारे में बात करने आई हो भैया तो तुम चली जाओ, हम कोई और बात करें। मेरा ख्याल है भैया, तुम चली जाओ और दोबारा मत आना, वरना मैं सह नहीं पाऊंगी। और उस पौधे को सींचने की जरूरत नहीं है, इस पर हवा और पानी बंद कर दोगी ना तो वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा। हेलो। अच्छा मुबारक हो, मिकाइल ने हाँ कर दी। मन्नू रुको। मन्नो परेशान मत हो, मैं मना कर दूंगी। नहीं आप कुछ नहीं कहेंगे पप्पू, मुझे करनी है शादी तो बस इसी से करनी है। बस अब नहीं करोगी तुम? ये कोई बात है? एक ही बात की रट लगाई हुई है सब लोगों ने, कोई ये क्यों नहीं सोचता कि आखिर तुम्हारी खुशी किस बात में है? देखो भाईजान से मैं बात करूंगी। मैंने आपसे कहा है ना पप्पू, आप कोई बात नहीं करेंगी, मैं बस मिकाइल से शादी करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी। अब मिल गई होगी ना भाभी और भाईजान को इस बात से खुशी। देखो तुम इम्तिहान तो दे ही रही हो, आराम से अपनी पढ़ाई करो, हम मना कर देंगे उन लोगों को। मुझे कोई इम्तिहान नहीं देना, मुझे बस शादी करनी, वो भी किसी पप्पू। बेकार की बातें मत करो। देखो तो 3 साल बगैर मंगनी के हम उसका इंतजार कर सकते हैं? नहीं
मुझे कोई इंतजार नहीं करना उनका। सारी गलती मेरी थी, बस मेरी। ओपो, मैंने आपकी बात मानी ना, सब लोगों की बात मानी। प्लीज मेरी बात मान ले, मेरी शादी में कल से जल्द अज जल्द करवा दे ओपो। प्लीज किधर मर गई हो सब? उठाओ वो टोकरे, अंदर ले जाओ, मिठाई बंटवानी है सारे मोहल्ले में। तेज चलो, रोटी नहीं खाई सुबह। नौरीन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों खामोश बैठी हो? जब से मन्नो मायो बैठी है ना, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। भाभी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब मैंने कह दिया था कि मैं भाईजान से बात कर लूंगी, तो उसने ये जिद क्यों पकड़ ली है? लेकिन परवीन भाभी ने खुद कहा है ना, सलाउद्दीन ही नहीं शादी करना चाहता। तो क्या वो बेवकूफ बना रहा था मन्नो को इतने दिन? हो सकता है, सन आदमियों का क्या भरोसा। अल्लाह भाभी, इतनी आसानी से वो कैसे भूल पाएगी उसे? ली बात मिल गया चे? मिठाई आ गई तुम्हारी, देख लिया तुमने? आप मर जाएं, गिरे पड़े आप में, जिंदगी भर आपको चैन ना मिले। वो तो नहीं आएगा, लेकिन मनु वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा है। जानती हूँ मैं, पता है मुझे, जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मेरे साथ इंसाफ ही होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। पता है वो मुझे एक सुलझा हुआ और खुले दिमाग वाला आदमी लगा। तुमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन तुम्हें इतना पसंद करता है कि अगर तुम कोई गलती भी करोगी ना, तो उसको एहसास नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मनु, मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि अब जरा सोच समझ के बात करना, पता नहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर देना जिससे उसको दुख पहुंचे। नहीं करूंगी मैं उससे शादी, आप देख लीजिएगा मैं भाग जाऊंगी। मनु, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? आप मेरी बात मानते हैं जो मैं आपकी बात मानू? मन्नू, ना मत ले मेरा, जहर लगते हैं मुझे। आप देखिएगा मैं आपसे ऐसा बदला लूंगी कि आप सारी जिंदगी याद करेंगे। वो तो वैसे ही करूंगा। मन्नू, तुम्हें मुझसे जो बदला लेना है ले लेना, लेकिन प्लीज अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना कभी। वही करूंगी, अपनी जिंदगी ऐसा बना दूंगी। आप मुझे इसीलिए छोड़े हैं ना
आखिर मैं खुश रहूं? आपको पता चलेगा बाद में, मैं खुश नहीं रहूंगी। आपको याद करके रोती रहूंगी, मैं उसकी जिंदगी भी अजाब बना दूंगी और खुद की भी। नो, तुम समझते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों जिद बैठ गए? जिद कहां कर रहा हूं मन्नू, मैं तुमसे अलग रहना गवारा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझे कबूल नहीं है। नहीं करें आप इस तरह, प्लीज। आप समझते कि कोई आम किस्म का प्यार है जो हर लड़की करती है ना? मनु प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी माइयों की रस्म हो चुकी है। मैं शादी के बाद भी ऐसे ही बातें करूंगी, मैं आपको बता रही हूं। आपने कभी मुझसे बात नहीं की, कभी मुझे टाइम नहीं दिया, कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। बस हुक्म दे दिया, कभी सोचा है आपने? अगर मैं ये सब कुछ ना सह पाई, मर गई तो क्या होगा? मिल सकती हूँ मुझसे? आखिरी बार दो डब्बे उधर और जो बिल्कुल उसके सामने घर है दो डब्बे वहां। समझ आ गई है ना तुम लोगों को? ये लो, ले जाओ। और छेती आना भाभी, उधर मिठाई भिजवानी है। मन्नू के अब्बा से पूछूंगी, अगर उन्होंने कहा तो भिजवा दूंगी। पीछे वाले गली में आ गया। देखो कोई मसला तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नहीं, आप डरिए नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। अभी मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा देखा भाभी, अभी तक वापस नहीं आई। कोई हाल नहीं आजकल के मुलाजिमों का। अब क्या करें, वहां खड़ी होंगी दुकान पे इजी लोड कराने, इनका तो यही काम है। अरे शुक्र है तू नीचे आ गई, बुरखा उतारो, ढेर सारे काम पड़े हैं। शेखा चार सही कहा वैसे आपने भाभी, सारा दिन तो मिठाई बांटने में गुजर जाएगा हमारा। ये ठीक है। कहाँ बैठे हैं? यहीं पे बैठना पड़ेगा। अरे मुंह इधर करो। यहाँ पर कौन है जो देखेगा?
मनु पाकिस्तान की बात ही बहुत ज्यादा, कोई भी कभी भी आ सकता है। ये क्या कर रही हो, ये क्यों उतार रही हो? तो क्या महीने से पहले सांस नहीं लेने देंगे क्या? मनु तुम मर नहीं रही हो, तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे लिए ये मौत ही, इस जिंदगी की मौत, इस खूबसूरत पल की मौत, मेरी मौत। देखो फजूल बातें मत करो, समझो कि तुम एक जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। एक खूबसूरत वक्त से निकलकर दूसरे खूबसूरत वक्त में दाखिल हो रही हो। सच्ची? तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि असल खुशी क्या होती है। मनु वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, जब सुबह उठकर तुम मुस्कुराओगी तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी सुबह होगी, और शाम को जब मुझे डांटेगा, मुझ पर गुस्सा होगा। गुस्सा? उसे कहेगा कि वो मुझे डांटे, मेरी हर बात को उल्टा जवाब दे, इतना उल्टा कि मेरा दिल करे पता नहीं मैं उसे क्या करूं। मुझे पता है कि उसे मेरी परवाह नहीं होगी, जबकि है उसे होगी मेरी परवाह। सबसे ज्यादा मैं नहीं मानती। मनु मेरी बात सुन, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आज आप यहाँ पर मेरे लिए आए हैं ना, फिर वो कहिए ना जो मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं मनु, मैं नहीं कह सकता। प्लीज एक बार, आखिरी बार, इसके बाद मैं जिंदगी में नहीं मिलूंगी, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, बस इस पल की यादें रहेंगी मेरे साथ, हमारे साथ रहेंगी ना ये। प्लीज मुझे ये मेरा पल दे दो। अगर इतनी देर आप लगाएंगे तो फिर तो रात ही हो जाएगी ना, दूसरे फूल कब लगे? मैं बच्चा भेजू दूसरा? हाँ ताई, मनु नजर नहीं आ रही, बुलाऊं? ऊपर होगी अपने कमरे में, जाओ बुलाओ, सुबह से उतरी नहीं है। और देखो देखो ये कह रही हो आराम से, मनु मनु नीचे कपड़ा लगाओ। हाँ इतने गेट से ना करो, कहाँ चली गई? काम चोरी आज तो कम से कम मिट्टी है। ताई अम्मी, मनु यहाँ नहीं है। ठीक से देखा है ना? ये कब ली? ये जब मजार जा रहा था याद है,
तुम आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे था। बड़े चलाक हैं आप, चुपके चुपके तस्वीरें बनाते रहे, उन्हें से पता भी नहीं चला। तुम्हें सब कुछ तो पता लग गया, मैं मेरे पास सब कुछ नहीं तुमसे छुपाने के लिए। आपको पहले भी नहीं छुपाना चाहिए था, आपने बहुत वक्त जाया कर दिया अपने डर से। मन्नू, अरे मिली के नहीं, सारा बालकोनी पे देखा है उधर वाली पे। मन्नू, अस्सलाम वालेकुम माजी भाई। माजी वो मुझे आ जाने में देर हो गई क्योंकि मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, माफ करिएगा मुझे। तुम अभी आई हो? जी, सुबह से आई नहीं थी। जी जी ताई, मनु का फोन। हाय अल्लाह, अपना फोन भी इधर छोड़ गई है, या अल्लाह। सालिया, नौरीन, टीपू के अब्बा, टीपू के अब्बा। तुम्हारा फोन कहाँ है? घर पर। तुम्हें फोन लाना चाहिए सर, घर वालों को शक हो गया तो। आप डरते रहे मेरे लिए, मैं नहीं डरती है। जब इंसान को अंजाम का पता हो तो करना पड़ता है कभी कभी। तो इंसान को समझना चाहिए ना कि जो अंजाम होना है वो तो हर हाल में होगा, फिर इस डर से ये वक्त को जाया करना अच्छा तो नहीं है ना। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। मैं आपकी प्रोफेसर हूँ ना। तुमने बहुत कुछ सिखाया मुझे। जैसे? जैसे हंसना, मुस्कुराना। आप हंसते भी हैं? हाँ, तो क्या मैं हंसता नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हमेशा ऐसे रहते हैं। आप ऐसे चलते हैं गुस्से में और ऐसे गुस्से में देखते हैं। कहाँ जा सकती है, यहीं होगी कहीं। देखो, आपको समझ नहीं आ रही ना जावेद साहब, हमारी लड़की हमें जुल देकर निकल गई है। आए मेरी किस्मत। अमीन, शाहिद को फोन करो। जी भाई। मुझे याद करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे, चाहे आपकी शादी हो जाए। मेरी शादी? मेरी शादी कहां से आ गई बीच में? कभी ना कभी तो होगी ना, मैं आपकी शादी पर आऊंगी और आपकी दुल्हन को धक्के मार मार के स्टेज से गिरा दोगे, है ना? और उसके हाथ पैर भी टूट जाएंगे, तो फिर कर लेना उस टूटी फूटी से शादी। जहर लगते हैं मुझे हंसते हुए। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं। मैं आपका इंतजार करूंगी। देखो, तुम अब किसी और की होने जा रही हो, बातों का कोई फायदा नहीं। मैं फिर भी इंतजार करूंगी। मत करो। आप दिल से कह रहे हैं? दिमाग से। आपका दिमाग कुछ भी कहता है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। वादा? वादा। तुम लोग यहां बैठी क्या दांत निकाल रही हो? चलो बाहर चलो, जब छेती करो। क्या हुआ, खैरियत है?
जाओ अंदर। क्यों भला, हम क्यों जाएं? मैं कह रहा हूं अंदर जाओ। सलाउद्दीन कहाँ है? सलाउद्दीन मुझे नहीं मालूम। तो मालूम कीजिए। क्या मतलब भाई साहब, क्या हुआ है? आपका बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। या अल्लाह, आप मुझे पागल समझते हैं? मैं अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाऊंगा? उससे मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मैं उससे वो सलूक करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। फोन मिलाए उसे एक मिनट में और उसे बता दें कि अगर वो फौरन मन्नू को लेके यहां पर ना पहुंचा तो मैं उसकी और उसके पूरे खानदान की जिंदगी खत्म कर दूंगा। धमकी मत दीजिए। धमकी? आप शुक्र कीजिए कि आप इस घर में जिंदा सलामत खड़े हैं, वरना आपके बेटे ने जो किया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आपकी बेटी खुद हमारे घर आती थी। चुप रहो। बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाभी, फोन कीजिए पता चल जाएगा। आप फोन नहीं करेंगे? आप लोग खुद क्यों नहीं फोन कर लेते अगर आपको अपनी बेटी पे शक है? हमें तो अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। हमें भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। होना तो नहीं चाहिए था। दुर्दाना तुम ज्यादा बोल रही हो। ये लोग भी तो मेरे बेटे के ऊपर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने देखा था कि मेरा बेटा लेकर गया है उसे? मैं तो जलते तवे पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये खा सकती है कसम? आप फोन नहीं मिलाएंगे? आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे अपने बेटे पे भरोसा है, लेकिन ये लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जाओ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये इल्जाम गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बेटे की शराफत की कस्में तो सारा महल्ला खाता है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी? आपकी बेटी कहाँ आती जाती है, इसका मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। आप सुन रहे हैं? सलाउद्दीन, मन्नू कहाँ है? उसे लेके फौरन आओ यहाँ उनके घर। देखा? चलो। कहाँ? घर और कहाँ? किसका फोन था? अब्बा का फोन था, हमें निकलना चाहिए अब। अच्छा, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, जो भी बात करूंगा मैं करूंगा। चलो पहन। अच्छा सुने, अब बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है? और इल्जाम अपने सर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने सर पर ले लूंगी। मन्नू, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी, जो बात करूंगा मैं करूंगा, तुम नहीं। क्यों नहीं बोलूंगी? जो सच है मैं वही बोलूंगी, और सच ये कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। मन्नू, अगर तुमने कोई ऐसी बात की ना तो मैं मारिए। मन्नू प्लीज। मैं अब आपको कभी नहीं देखूंगी ना। जिंदगी भर नहीं। मन्नू, जिंदगी का क्या भरोसा? इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। अब हमें चलना चाहिए। मुझे एक बार जी भर के तो देख ले। मनु, तुम अपना ख्याल रखोगी? बिल्कुल उसी तरह से मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। देखो वादा करूंगा, इसे तुम्हें रखना पड़ेगा। नहीं करूंगी वादा। से कभी बात नहीं करूंगी। मत करना कभी बात, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम जिंदगी में मुझे जब याद करना चाहो कर सकती हो,
मैं तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। झूठे मनु, उठो, घर आ गया। चलो। क्या मतलब? मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैंने कहा ना, आप जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। मनु, तुम्हें मालूम है मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। चलो। मैं कह रही हूँ ना, आप चले। चलो। गया तू? मैं अपनी मर्जी से गई थी। चलो अंदर, अंदर चलो। देखिए प्लीज, उसे कुछ मत कहिए। मैंने उसे कहा था, मेरी गलती है। निकल जाओ मेरे घर से। देखिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप पहले वादा करें कि आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उसको फोन किया था, मैं आप कहें तो फोन दिखा देता हूँ आपको। निकलो वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूँ। चले जाओ। देखिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपने जो मेरे साथ करना कर लीजिए, उसको तो कुछ मत कहिए। सारी गलती मेरी है। झूठ बोल रहा है। मैं ही इनको बार बार फोन कर रही। बकवास बंद करो, अंदर चलो। नहीं, नहीं जाऊंगी। मन्नु, जाओ। चलो। नहीं, चलो। अब्बा, ये सच है। मैं शादी से पहले आखिरी बार इनसे मिलने की जिद कर रही थी, इसीलिए ये मुझे। चल अंदर, अंदर चल। मैं छोड़िए इसको। छोड़िए इसको। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा कसूर था। मुझे मार लीजिए आप, मेरी गलती है। इसको कुछ मत कहिए आप। मैं इसे जान से मार दूंगा। तो ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ इसको। सलाउद्दीन, छोड़ो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मेरे से वादा नहीं करते कि इसे मारेंगे नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम जानते हो तुम इसके बाप से बात कर रहे हो? जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूं कि आप एक दफा मुझे इत्मीनान करा दीजिए कि आप इसे नहीं मारेंगे तो मैं चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा यहां पे। तुम्हें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने आप पर भरोसा करके बेटी का हाथ मुझसे मांग लिया होता। अब मुझसे वादा मांग रहे हो। अगर उस वक्त तुमने मर्द बन के दिखाया होता तो आज भी मर्दानगी अच्छी होती। ऐसी बात नहीं अब्बा। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? तुम ऐसे शख्स से शादी करना चाहते हैं जो अपने हाथ से तुम्हारा हाथ किसी और के हवाले कर रहा है? और ये तो अब की बात है। तो सोचो, अगर आज ये कर रहा है तो कल मुश्किल वक्त पड़ने पर क्या करेगा ये? निकल जाओ मेरे घर से। मैं इसके टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो ये मेरे घर में तुमसे ज्यादा महफूज है। चलो।
चलो अंदर, मैं कह रही हूँ। मन्नू चलो, मैं कह रही हूँ अंदर चलो।